ये तो पता लग गया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार, उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। जीता भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत बड़ी है रन के हिसाब से जीत है, और फिर टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड हैं। ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं, एक दो के ऊपर या परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। बॉलिंग लाजवाब है, उसमें कई वेरिएशंस हैं, वैरायटीज हैं। वो दो टके के घंटे जो सुबह बकवास कर रहे थे कि जी बांग्लादेश पेल देगा इंडिया को, बांग्लादेश ये कर देगा, और बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया। ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार, अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। अब बॉलिंग उनकी पूरी, बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर। बांग्लादेश के भी स्टार्ट्स मिलते हैं, मगर उसको फिर वो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस नहीं बनती है। शांतो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, मगर मैच फिनिश नहीं किया, जैसे वो प्रेजेंटेशन में कह रहे थे। तो रविचंद्रन अश्विन की आप जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, रविचंद्रन अश्विन तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान मैं हूं ना फिल्म वाले, के रन की जरूरत है तो रविचंद्रन अश्विन पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे मैं हूं ना, यहां कह रहे हैं विकेटों की जरूरत है तो पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे मैं हूं ना। ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गई थी, और इन्होंने इंडिया जाके तसव्वुर किया था कि इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाके हरा के आएंगे, लेकिन आज इंडिया के सामने बांग्लादेश बेबस नजर आया। बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया जिधर आपको घुसाया था, बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया ना जिधर आपको घुसा दिया था। शाकिब हसन को एक पैगाम देना चाहूंगा, आप करो आके एग्रेशन विराट कोहली के सामने, अब आपके ऊपर 5 साल का बैन लगा देगी बीसीसीआई, अब उनके हाथ में आईसीसीआई, अब इसको बोलो एग्रेशन करे यहाँ पर, वहाँ पर तो मुंह पर बाले मारता था रिजवान के, अब आके एग्रेशन करे उसको बोलो, आगे यार किंग टीम है इंडिया की, आगे विराट कोहली है इसका मुंह तोड़ देगा। अगर मैं फॉर्मेशन देखूं तो इतनी कंप्लीट टीम है राइट नाउ जो उनके पास रिसोर्सेज हैं कि उनको आप किसी भी कंडीशन में डालें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं या आप बिल्कुल जैसे अभी ये कैरेबियन की पिचेज हैं या इंडिया में वो खेल रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने तगड़े हैं कि वो हर कंडीशन में कॉप अप कर सकते हैं। और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अगेन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। इंडिया ने भाई बंगाली टाइगर्स को कुत्तों की मौत मारा, वहां दफन किया जहां से वापस भी नहीं आ सकते। अरे एल पे चढ़ो ना आके, और एल पे चढ़ो ना मेरे मेरे एल पे चढ़ो ना आके झूले लो ना। धोनी को अश्विन का बोल ही नहीं समझ आया। अश्विन अन्ना जो के पहली इनिंग्स के अंदर विकेट लेस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन, के अश्विन जो है ना सही लगता है, कड़ू क्रिकेटर है। उमरा ने कब्रिस्तान बना दिया चेन्नई के स्टेडियम को, देखा आपने जिस तरह शादमान इस्लाम को पहले खोद के दफनाया, उसके बाद जितने भी उनके बैटर्स आते गए लाइन लाइन में दफनाते गए, आप देखे सारा छिपा को स्टेडियम है, चेन्नई का कौन सा स्टेडियम है, भर गया कब्रों से। अब यहां पकड़ के बांग्लादेश को भी इस इंडियन साइड का क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, ट्रॉफी दे दे इनको वैसे ही, दे दो ना इनको वैसे ही ट्रॉफी, और कोई है जसप्रीत बुमराह को खेलने वाला बैट्समैन। सो अगर भारत को पूरी दुनिया में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच तो खत्म हो गया लेकिन अपनी यादें छोड़ गया, जिस तरह भारतीय टीम ने बांग्लादेश का कब्रिस्तान चिन्नास्वामी स्टेडियम में बना दिया, जब डे 4 का मैच में आगाज हुआ तो रविचंद्रन अश्विन ने अपनी घूमती गेमों के जरिए बांग्लादेशी बैट्समैनों की एक ना चलने दी, और वो बांग्लादेशी बैट्समैन जो पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करके आए थे उन्होंने चेन्नई में वो विकटों पे विकटें अपनी गवाते रहे, और इस तरह इंडिया ने ये पहला टेस्ट मैच 280 रन से जीत लिया। मैच ख़त्म होने के बाद रविचंद्रन अश्विन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। उसके बाद जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे पूछा गया कि आपकी फॉर्म क्या, आप अपनी फॉर्म के मुताबिक क्या कहते हैं, तो रविचंद्रन जो रोहित शर्मा थे उनका कहना था कि हम अपनी फॉर्म पर काम कर रहा हूँ और मैं उम्मीद है कि मैं जल्दी से अपनी फॉर्म में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर रविचंद्रन अश्विन जो थे वो मैदान में आए और रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि उन्होंने जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेली उनका उसे बहुत फ़ायदा हुआ जिसकी वजह से उनकी फॉर्म वापसी आ गए। बाकी जब हम देखते हैं कि जो बाकी जो बॉलर थे आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब जो है नेक्स्ट टेस्ट मैच है उसके लिए भारतीय टीम का ऐलान होना है, मेरा ख्याल है कि उसमें जो है बुमराह को रेस्ट करवाया जाएगा क्योंकि बुमराह को इंग्लैंड सीरीज के लिए, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉटन वूल करना है। बाकी मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट करें, जो करना है आप दिल करें, वॉइस करें, कमेंट करें। जी बांग्लादेश पेल देगा इंडिया को, बांग्लादेश ये कर देगा, और बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया जिधर आपको घुसाया था, बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया ना जिधर आपको घुसा दिया था, बजा दिया पकड़ के
इंडिया देख लो, इंडिया की क्लास देखो, आप तो दो टके गए हो, आप तो दो टके गए हो, आपकी औकात दो टके की है। इंडिया सुनते जाएगा मेरी बात को, या मैं सोनू पीली चप्पल मेरे घंटे के हल इधर आना, जरा मेरी बात सुन। तो रविचंद्रन अश्विन की आप जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, रविचंद्रन अश्विन तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान मैं हूं ना फिल्म वाले, कि रन की जरूरत है तो रविचंद्रन अश्विन पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे मैं हूं ना, यहां कह रहे हैं विकेटों की जरूरत है तो पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे मैं हूं ना। मतलब एक चौथा डिपार्टमेंट आज की क्रिकेट के अंदर जिसकी ज्यादा बात नहीं की जाती, एक तो कहते हैं बैटिंग, फील्डिंग, बोलिंग, तीन डिसिप्लिन, चौथा सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है फिटनेस। 15 ओवर ऑन द ट्रॉट has been delivered by Ravichandran Ashwin, और यहाँ he has been breathing on the neck of Bangladeshi batters। हालांकि बांग्लादेश को यह क्रेडिट देना पड़ेगा जिस बेहतरीन पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाकिर ने और अपना शादमान ने स्टार्ट किया और प्रशंतु ने आके बड़ी एक क्रैकिंग हाफ सेंचुरी मारी है, they actually try to be very positive here। बांग्लादेश को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि बांग्लादेश काफी ज्यादा यहाँ रिसीविंग एंड पर आया है टीम इंडिया की तरफ से। मतलब पहले दिन के बाद 144 for 6, उसके बाद जो फेटा लगाया बांग्लादेश की टीम को और जिस तरीके से इंडिया ने 149 पे ऑल आउट कर दिया, 514 की लीड लगा के डिक्लेयर कर दिया। मोमिन को अश्विन का बोली नहीं समझ आया, अश्विन अन्ना जो के पहली इनिंग्स के अंदर विकेट प्लस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन, के अश्विन जो है ना सही लगता है, कड़ू क्रिकेटर है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है, उसको शांतु छक्के मार रहा है, उसको चौके जा रहे हैं लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ नहीं चेंज की, वो विकेट पे बॉल करता रहा, उसको विकेट से मिली, तीन विकेट ले गया अश्विन जो कि पिछली इनिंग्स के अंदर विकेट नहीं लेके जा रहा था। ये देखिए रोहित शर्मा की भी दाद देनी पड़ेगी, उसको पता था कि जब तक अश्विन लेफ्टी खड़े मैं अश्विन को बॉल करवाता रुको, उसने करवाई रखी और अश्विन ने आउट भी किए, बुमराह ने तो आउट किया लेकिन अश्विन ने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली हैं ये बहुत जिसको कहते हैं ना क्रूशियल जिसको कहते हैं ना विकेट्स अश्विन ने निकाली, क्योंकि बांग्लादेश अगर आज दो विकेट के साथ जाता तो बांग्लादेश वालों को शायद एक उम्मीद होती कि हम कुछ मेडिकल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो उम्मीद थी वो सारी की सारी दफन होकर रह गई, अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची क्योंकि उनके चार आउट हो चुके हैं। मुन्ना जी ने बताया कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है, तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट, ही वाज टू गुड, स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया और अभी जब जरूरत थी विकेटों की, जो कि मेरे ख्याल में जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने शुरू में जो नया गेंद था तो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन नहीं की। तो देखिए आप चाहे फिर जितने भी अच्छे बॉलर हों, जब लाइन और लेंथ मेंटेन करके बॉलिंग नहीं होगी तो फिर विकेट वैसी नहीं मिलेगी। एनीवेज बुमराह वाज द बॉलर हु गेव द ब्रेक थ्रू और खास करके जो कैच पकड़ा, कैच ऐसा शानदार, इतने शार्प रिफ्लेक्सेस से जायसवाल ने एक ही हाथ से कैच पकड़ा है। और वो कमेंट्री में मैं सुन रहा था डीके को कि वो जो है बैटिंग तो जायसवाल करता है, लेफ्टी है वो, लेकिन वो बॉलिंग और जो थ्रो करता है